नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे समय के बारे में, यानी वॉल क्लॉक्स के बारे में। हम ये जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से वॉल क्लॉक की सही डायरेक्शन, कलर और शेप क्या हो सकती है। वॉल क्लॉक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है घर की एनर्जी को सही या खराब रखने के लिए। अगर क्लॉक वास्तु के नियमों से लगाई गई है तो आपके सब काम बन भी सकते हैं, और अगर नियमों के विपरीत लगाई गई है तो सब काम बिगड़ भी सकते हैं। आपके बने बनाए काम डिले भी हो सकते हैं, घर में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम भी आ सकती है। वॉल क्लॉक में शेप और उसका बैकग्राउंड कलर सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो डिसाइड करता है कि वॉल क्लॉक को किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। तो अब जानते हैं वॉल क्लॉक्स की सही प्लेसमेंट। हम बात करेंगे चार मेन डायरेक्शंस की, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड चार सब डायरेक्शंस की, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शंस घर के सेंटर से ली जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट में रेक्टेंगुलर शेप की क्लॉक लगाएं। क्लॉक का वुडन या ग्रीन शेड का बैकग्राउंड रखना चाहिए। इसे यहाँ लगाने से आपके पब्लिक रिलेशंस इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका सोशल सर्कल आपकी ग्रोथ में हेल्प करना शुरू कर देगा। पर अगर गलती से अगर ईस्ट डायरेक्शन में राउंड क्लॉक लगा दी या कोई ऐसी क्लॉक जिसका बैकग्राउंड येलो कलर का होगा, तो आपके पब्लिक रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाएंगे और आपका यही सोशल सर्कल आपकी ग्रोथ में रुकावट बन जाएगा। आगे साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप की क्लॉक लगानी चाहिए जिसका बैकग्राउंड येलो या मरून कलर का हो। इसे घर में लगाने से मनी फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है और आपका स्टेटस भी सोसाइटी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस डायरेक्शन में अगर सर्कुलर क्लॉक जिसका बैकग्राउंड ब्लू, ब्लैक या वाइट कलर का होगा, लगाने से आपका पैसा रुकने लगेगा और आप ये देखेंगे कि आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो गई है। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर स्क्वायर शेप की क्लॉक जिसका बैकग्राउंड येलो कलर का हो वो लगानी चाहिए। यह लगाने से आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। साउथ वेस्ट में अगर रेक्टेंगुलर क्लॉक या कोई ऐसी क्लॉक जिसका बैकग्राउंड ग्रीन, ब्लू या ब्लैक कलर का है, वह लगाने से परिवार में रिलेशनशिप्स खराब होने लगते हैं, आपस में तनाव बढ़ने लगता है। इसलिए इस डायरेक्शन में ऐसी क्लॉक नहीं लगानी चाहिए। अब बात करते हैं वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। इस डायरेक्शन में राउंड या ओवल शेप की क्लॉक लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में वाइट या मेटेलिक कलर हो सकता है। ये इस डायरेक्शन में लगाने से आपको लाइफ में गेंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम बेटर होने लगता है। पर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर शेप की क्लॉक ना लगाएं। अब बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। इस डायरेक्शन में रेक्टेंगुलर क्लॉक लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर वाइट या ग्रीन शेड का हो सकता है। इस डायरेक्शन में कभी भी ट्रायंगुलर या स्क्वायर शेप की क्लॉक या ऐसी क्लॉक जिसका बैकग्राउंड रेड या येलो कलर का हो वो नहीं लगानी चाहिए। अब अंत में यह जरूर ध्यान रखें कि क्लॉक कभी भी बंद या स्लो ना चल रही हो। ऐसी क्लॉक्स आपका आने वाला समय भी खराब करती है। क्लॉक हमेशा चलती रहे और सही समय दिखाती रहे, तभी आपका आने वाला समय भी सही रिजल्ट्स लेके आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।